नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं राई नेक के बारे में। राई नेक जिसका मतलब है कि गर्दन का एक तरफ मूवमेंट करने में दिक्कत होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम सुबह उठते से होती है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, गलत पोस्चर में सोना, तकिए का गलत इस्तेमाल या दिन भर की अपनी दिनचर्या जिसमें अपन मोबाइल का यूज़, सिटिंग, लैपटॉप का यूज़ और काफ़ी चीज़ें होती हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। घबराएं नहीं, मैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ आपको वो रूटीन में फॉलो करना है। सबसे पहला, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनको गर्दन को एक तरफ ले जाने में कितनी दिक्कत आ रही है और दूसरी तरफ कितनी आसानी से गर्दन जा रही है। इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपली एक टावल का रोल बनाना है, या जैसे ये फोम रोलर है इसकी जगह एक आप टावल का रोल बना सकते हैं और इसको गर्दन के बिल्कुल नीचे ले जाना है इस तरह से। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम गर्दन को एक तरफ रोटेट करेंगे तो एक मसल्स उभर के सामने आती है, इसको बोलते हैं SCM। इसमें सिंपली इस मसल्स को हल्का सा मिल्किंग करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, थोड़ा सा हल्का सा इसको रिलैक्स करना होता है हल्के हाथ से। और फिर दूसरी तरफ भी इसको रिलैक्स। अब आप देख सकते हैं इधर ले जाने में इनको तकलीफ हो रही है, इसमें भी हम इस मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद में सिंपली हमको रोटेशन करना है गर्दन का। पहले एक तरफ होल्ड करें इसको, जितना ले सकते हैं लेके जाइए, उठा कंधा नहीं उठाना, रिलैक्स स्ट्रेच करिए, इधर मेंटेन रखिए, खिंचाव आ रहा है हल्का सा, 5 सेकंड रोकिए, कंधा नहीं उठना चाहिए। 1 2 3 4 5 सेम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, रिलैक्स, कंधा मत उठाइए, स्ट्रेच करिए, कंधा नीचे रखिए, 1 2 3 4 5 इसी तरह से इस एक्सरसाइज को 5 बार लेफ्ट साइड से और 5 बार राइट साइड से स्ट्रेच करेंगे और 5 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिटिंग में करनी है। इसके लिए आपको सिंपली एक हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करेंगे आपको शोल्डर, एल्बो, रिस्ट तीनों जगह पे खिंचाव आएगा और यहाँ कमर में भी खिंचाव आएगा। खिंचाव आ रहा है, 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को ले जाइए, पूरा स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी 5 बार राइट हैंड से और 5 बार लेफ्ट हैंड से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों हाथों को कंधे पे इस तरह से रखना है, इस तरह से रख लीजिए, और दोनों कोहनियों को आगे टच कराना है। आगे टच कराएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर इसको पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 इसको भी 5 बार आगे और 5 बार पीछे की तरफ रिपीट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक हाथ अपने अपोजिट कान की तरफ लेके जाना है और इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, इस तरह से ले जाइए और इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर इसको अपोजिट साइड से करेंगे, स्ट्रेच करिए, इस तरफ दिक्कत आ रही है, हाँ होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 आफ्टर द ट्रीटमेंट हम सर के मूवमेंट वापस से चेक कर रहे हैं
तो एक बार हम वापस चेक करते हैं, राइट साइड घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए और घुमाइए। बढ़ गया पहले से रेंज, थोड़ा ज़्यादा जा रही है पहले से। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब राइट लेफ्ट लगभग बराबर सा मूवमेंट हो रहा है। अब एक बार हम गर्दन का अप डाउन मूवमेंट चेक कर लेते हैं। नीचे लेके जाइए गर्दन को, फुल आ रहा है। ठीक है, ऊपर देखेंगे, ऊपर लेके आइए, बहुत अच्छे, पूरा आ गया, फुल कंप्लीट, वेरी गुड। ये बच्चे को लेके आया था मेरे, गर्दन में एक तरफ मूविंग में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ वेल्डिंग फिजियो में डॉक्टर दीपक सोनी हैं, तो अभी काफ़ी रिलीफ है एक्सरसाइज के बाद, इसको ट्रीटमेंट के बाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होने पे बड़ी आसानी से इसका इलाज कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो।